नमस्कार, आप इस समय आप अपना चैनल देख रहे हैं और मैं हूं सुनील गोभी और मेरे साथ हैं अभय कुमार। देखिए, हम पंचायत चुनाव पर आज खास चर्चा करने के लिए हम दोनों हाजिर हैं। मुखिया जी पर हम चर्चा करना चाहेंगे, वार्ड कमिश्नर पर चर्चा करना चाहेंगे अभय जी, और जिला परिषद पर, सरपंच साहब पर और पंच साहब पर, यानी पंचायत समिति पर भी, यानी तमाम पद जो हैं, 6 पद सभी पर। धड़कन बढ़ी हुई है कि चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लग जाती है तो प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को संभल कर रहना होगा, संभल कर चलना होगा, संभल कर मतदाताओं से मिलना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुखिया जी को गिफ्ट देना पड़ सकता है महंगा, और मुखिया जी अगर कुछ वाहन का प्रयोग करेंगे मतदान केंद्र तक, तब भी उनको जा सकते हैं जेल। आप अगर कभी भी, अगर आचार संहिता लागू होता है, आप अगर प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, बनने जा रहे हैं, तो किसी को इनाम देना, किसी को गिफ्ट देना महंगा पड़ेगा और आपकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। नहीं, इस बार तो उम्मीदवारी रद्द करने से ज्यादा है कि अगर किसी को रुपये पैसे जो मुर्गा दारू अगर चलाएं तो जेल भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और बिना परमिशन के किसी के घर पर अगर पोस्टर चिपकाते हैं तो, अगर वो कंप्लेन करता है तो आप पे कार्रवाई होगी। अगर किसी के दरवाजे के साथ में ढोल बाजे के साथ आप वहाँ शोरगुल करते हैं तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी के संबंध में चुनाव के समय अगर उनके व्यक्तिगत रूप में टिप्पा टिप्पणी उन पर करते हैं तो, व्यक्तिगत टिप्पणी जघन्य अपराध माना गया है इस चुनाव में और निर्वाचन आयोग की सख्त हिदायत है कि टिप्पा टिप्पणी किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं, अगर शिकायत मिली तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, पोस्टर चिपकाना भी गुनाहगार होगा। सरकारी कार्यालय, आपको बिजली का होता है उस पर भी। लेकिन खास चर्चा हम करना चाह रहे हैं कि हमारे लगातार व्यूअर्स कहते आए हैं कि सर केवल आप डेट बताइए, तो डेट हम कैसे बताएं? जब तक कोई घोषणा नहीं हो जाती है। देखिए, हम लोगों ने बहुत बार आप लोगों ने कहा कि हमको कब चुनाव होगा, इसको केवल बताइए। हम लोगों के पास भी आपको लेकर तरह वायरल चिट्ठियां आती थी, लेकिन हम लोगों ने कोई खबर नहीं ब्रेक किया। जैसे कि अभी संभावित तिथि घोषित हुआ, संभावित तिथि उसके बाद मुहर लगा हुआ हमारे पास मिला, हमने उसको आपके पास भी पहुंचा होगा। हाँ, बिल्कुल, व्यूअर्स के पास भी पहुंचा, लेकिन संभावित है, लेकिन अब उस पर भी संशय बन गया है। कहा गया कि बिना मंत्रिमंडल में पास किए हुए प्रस्ताव केवल था, संभावित तिथि थी, बिना उसको अधिसूचना जारी होने से पहले ही उसको वायरल कर दिया गया, तो अधिसूचना का अभिप्राय ही क्या रह गया? संदर्भ को हम याद करना चाहेंगे सर, जब चिट्ठी हम लोगों को हाथ लगी थी तो मैंने तो पहले ही से पोस्टर बना लिया था, आपको मैंने फोन किया था, से बाहर थे। हाँ, मैं फोन किया था आपको, तो बोले कि नहीं अभय जी, इसको पहले कंफर्म हो लिया जाए। उसके बाद मैंने फोन लगाया कुछ जगह, नाम उनका नहीं लेंगे, गोपनीय चिट्ठी थी, उन्होंने कंफर्म किया कि चिट्ठी ऐसा प्रस्ताव दिया गया है, यह चिट्ठी मतलब मुहर अंतिम लगना बाकी है, तब हम लोगों ने उसे ब्रेक किया था। और बहुत सारे व्यूअर्स अभय जी यह पूछा करते हैं कि सर जी, आप जनरल बता रहे हैं कि इस तारीख को मैंने प्रथम चरण दूसरे चरण, तो हमारे पूर्णिया जिला का, हमारे मधुबनी जिला का चुनाव कब होगा? तो उसी जो भी नोटिस निकलेगा चरण बाई चरण, तो उस हिसाब से आपके जिला और आपके प्रखंड और आपके पंचायत का हो सकता है। एक PDF है हमारे पास, जो भी तिथियां जो अखबारों में भी आ रही है, वह जो जिला प्राधिकारी द्वारा एक संभावित शेड्यूल मांगा गया था वो उन्होंने दिए हैं, वही चिट्ठी वायरल हो रहा है। अब हम बारी बारी से नहीं बता सकते हैं कि किस प्रखंड में किस तरह से होगा, अगर वैसा करते रहेंगे तो प्रतिदिन वैसा ही बनाना। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग अपने पोर्टल पर अपलोड कर देगी पूरी शेड्यूल को, तो हम लोग उसका लिंक आपको जरूर बताएंगे, कैसे देखने का तरीका भी बता देंगे, वीडियो में डाल देंगे और आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अलग वीडियो बना देंगे, आप कैसे देखना है आप देख सकते हैं, अपने प्रखंड का, अपने पंचायत का, अपने वार्ड का आरक्षण की स्थिति, चुनाव की स्थिति, सारी चीजें आप देख सकते हैं। जिस रफ्तार से चुनाव आयोग कमर कस के तैयार है चुनाव कराने के लिए, तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है जी, चुनाव होंगे? देखिए, चुनाव तो बिल्कुल होंगे, और चुनाव होने का सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि चुनाव करवा देना है। एक्चुअली आप समझिए, इस चुनाव नहीं होने के कारण विधान परिषद में अनबैलेंस हो गया है, मामला गड़बड़ हो गया विधान परिषद का, और जब तक यह चुनाव नहीं होगा विधान परिषद का नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकार के पास मजबूरी है कि चुनाव करवाए। और दूसरी बात यह भी है, जो परामर्शी समिति का गठन किया गया है उसका जो एक
कार्यकाल तय है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लेना है। ऐसा नहीं है कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक लागू रहे, उसका समय तिथि है कि 6 महीने के अंदर तक ही, 6 महीने तक ही कार्यकाल विस्तार हुआ है। देखिए हम लोगों ने एक वीडियो डाला था कि बिहार सरकार चाहती है कि वार्ड कमिश्नर को पावरफुल बनाना। आज भी अखबारों में चीज प्रकाशित हुआ है कि जैसे ही पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे वैसे ही हर पंचायत के हर वार्ड में 10 स्टील सोलर लाइट लगाए जाएंगे जिसका देख रेख वार्ड सदस्य करेंगे, और सभी वार्ड में 20 वार्ड का कह सकते हैं बल्ब लगाने का, 20 वाट का लगाने का। उसमें आज के अखबारों में भी आप देख सकते हैं कि लगाने की बात आई है। पहले इसको 12 वाट का पास किया गया, तो कहाँ पर, हर बिजली के पोल पर, तो 12 वाट से लोगों ने किया उस पर गहन अध्ययन, तो पता चला कि 12 वाट से रोशनी जहाँ तक नहीं जा पाएगी। अब 20 वाट के लगाएंगे तो उस तमाम चीजों की जिम्मेवारी जो है वह वार्ड सदस्य को मिलने जा रही है। इस सभी आधारों पर मैंने बताया था कि वार्ड सदस्यों को पावरफुल बनाया जा रहा है। देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के पावर को कम कर कुछ मुख्यमंत्री फिर उसको बांटते हैं मंत्रिमंडल में, उसके बाद पंचायत में, नगर निकाय में। अब पंचायत की भी जो शक्ति थी उसका विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, और यह विकेंद्रीकरण जब होगा तो सबसे निचले पायदान पर कौन है, वार्ड सदस्य है, तो वार्ड सदस्य की शक्तियाँ बढ़ेगी। तो इसमें मुखिया जो प्रत्याशी हैं, चाहे जो मुखिया होंगे, वो आपत्ति जताते हैं कि ये खबर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होना भी गलत है। नहीं देखिए उनको लगता है ना कि आपत्ति इसलिए जता रहे हैं ना, शुरू में विधायक जी के पास सभी पावर था पंचायतों में विकास के लिए, अगर उनका विकेंद्रीकरण करके मुखिया जी को पावर दिया गया, जिला परिषद को पावर दिया गया, उस समय तो मुखिया जी को भी लग रहा था कि हमारे कुछ एमएलसी साहब को जो एमएलए होते हैं उनको लग रहा था विधायक जी कुछ हमारी शक्तियां कम रही, लेकिन उनको और बड़ी जिम्मेवारी मिली है। तो मुखिया जी को भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, आपको हम बता देना चाहते हैं। जो अब मुखिया जी अपने इलाके में छोटा मोटा जो फैक्ट्री टाइप का चीज लगा सकते हैं, बड़ा बड़ा निर्माण उद्योग धंधा लगा सकते हैं, बड़े निर्माण करवा सकते हैं, तो आप छोटे मोटे काम का मुखिया जी नहीं करेंगे, छोटे मोटे काम उनको बड़ा कार्य सौंपा जाएगा। अब देखिए ना, पावरफुल बनाने के लिए पहले ही सरकार जो है वार्ड कमिश्नर को स्कूल का मैंने सचिव बना दिया, तो यहाँ पर पावर मिला ना। हाँ, और मिलने से वह जुड़ा हुआ स्कूल से, कुछ न कुछ तो बदलाव हो रहा है। लेकिन एक चीज हम बता दे रहे कि जो सरकार जो तय कर रही है, जो नीतियां बना रही है, अब वह पहले वाली बात नहीं रहेगी। बहुत UPI सब लोग सुने होंगे, आप लोग अगर मोबाइल से पैसा में डालने का बात करते होंगे तो UPI एक नंबर होता है, अब वो हो जाएगा ई रूपी में हो जाएगा कि अगर वार्ड साहब के यहाँ जो पैसा आएगा, अगर उनसे बल्ब ही खरीदना है तो वो पैसा बल्ब को ही पेमेंट कर सकते हैं, उसी दुकानदार को बल्ब वाला ही कहीं के पास दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले था ना कि गिट्टी छड़ वाला पैसा उनको कटवा दिए और ले लिए, नहीं, अब पैसा अगर मजदूर को देना है तो मजदूर को ही दे पाइएगा, क्योंकि एक QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, वो कोड एक मोबाइल में वार्ड साहब के पास रहेगा, एक बैंक में रहेगा, और एक जिसको पे करना है, अगर बल्ब लेना है तो सारे जो बिजली दुकानदार हैं उनके पास वो QR कार्ड रहेगा, और उतना ही पैसा कटेगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं कर पाएगा। समझ लीजिए कि बिल्कुल पारदर्शिता बनाकर रखने की, इसलिए चला जा रहा है बिल्कुल। लेकिन फिर भी वार्ड सदस्यों के पास और पावर मिलने जा रहा है, मुखिया जी के पावर में विस्तार होने वाला है। पावर तो है ही सर जी, जी। लोग उस पावर को समझते नहीं। अगर समझे वार्ड कमिश्नर तो किसी के वार्ड में कुछ काम होता है उनकी बिना सहमति को होता ही नहीं है, वो तो आंख मूंद के सिग्नेचर कर देते हैं बैठक में। अभी की मैं बात कर रहा हूँ मुखिया जी के, मैं कहूंगा पूरे बिहार में अभी शिक्षक का नियोजन हुआ, अभी जो नियोजन हुआ अधिकतर जगह से मुझे जो जानकारी मिली, BDO साहेब बैठ के बना लिए, मेघा सूची बना लिए, और उसके बाद मुखिया जी और उनके बुलाकर साइन कर लिए, मुखिया जी साइन कर ही दिए, BDO साहब सही पावर दे रहे, हम नहीं देने से क्या लगा तो रबर स्टाम्प बन ही गए। तो ऐसा नहीं, अगर बने हैं तो दिखाइए अपने पंचायत को कि क्या पावर होता है। सरपंच महोदय को कहेंगे, सरपंच महोदय अगर कहीं जाते हैं तो उनको थानेदार को कुर्सी देना है,
तब अपनी पावर प्राप्त कर। पंचायत में किसी को आने के लिए उनसे परमिशन लेना है, वो पावर के समझने पर उसके लिए देखिए ट्रेनिंग होता है, उनके लिए किताब मिलता है, किताब का अगर अध्ययन लोग कर ले तो समझिए कि वो पावर कोई भी प्रतिनिधि। अगर आप जानकारी है आपके पास, धारा की जानकारी हो जाएगी तो समझिए ना कि आप अपने पावर को समझ लेगा। और जैसे ही आप थोड़ा सा नैतिक जिम्मेदारी ईमानदार रहिएगा तो किसी के औकात नहीं है कि कोई सरपंच के सामने कोई खड़ा हो सके, कोई मुखिया के सामने उसके ग्राम पंचायत में एक दिन का भी विरोध हो जाएगा। चलिए सर, लगातार हम लोग पंचायत चुनाव पर बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुखिया बने हुए हैं, कुछ वार्ड सदस्य बने हुए हैं, सरपंच साहब बने हुए हैं, जिला परिषद बने हुए हैं। एक छोटा सा निवेदन हम लोग कर देते हैं उस पटना वाले आयांश के लिए। अच्छा, पटना का एक 9 साल का आयांश लड़का है, पटना सिटी का रहने वाला है, 9 साल का है और उसे एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। और इंजेक्शन का कीमत 16 करोड़ रुपया है, जो लगता है कुछ आया भी है, लोग अंशदान कर रहे हैं, कई पत्रकार बंधु भी लगे हुए हैं, कई मीडिया कर्मी लगे हुए हैं, हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप निश्चित तौर पर यथाशक्ति आयांश के लिए कुछ दान कर सकते हैं। जिसके लिए आप किसी भी सोशल मीडिया पर उसका पता वगैरह सब देख सकते हैं। नहीं, पता देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी ऑथेंटिक जगह पे से आप उनका पता उठाइए। आप जो फोन नंबर दिया हुआ है उसको पहले बात कर लीजिए, उसके बाद आप पैसे डालिए। उन्हीं का मैंने दिया हुआ है। लोग कहेंगे कि जिनके पास पैसे हैं वो मदद कर देंगे और जिनको पैसे नहीं है वो कैसे मदद कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और इसका कुछ अंश जो भी इस वीडियो से जो आप इस वीडियो को देखिएगा फैलाइएगा तो इसका कुछ अंश आयांश को भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप यथाशक्ति रखते हैं और चाहते हैं कि छोटे से बच्चे को बचाया जा सके तो निश्चित तौर पर आयांश के लिए, आयांश जीवन मांग रहा है, उसको जीवन देने के लिए 16 करोड़ खरीदने के लिए आप उसे अर्थदान करें, कुछ पैसे की मदद करें। आपको इस समय का हर सोशल मीडिया पर उसकी खबरें चल रही है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं से उसका मिल जाएगा। और नहीं अगर आप देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप बताएंगे सर हम अंश दान करना चाहते हैं, आप उसका बैंक हम सही जगह बता दें। हाँ, तो आप दे देंगे, हम भी अपने पास नहीं मंगाएंगे बल्कि उसका दे देंगे और आप वहां से फोन नंबर उस पर सब है, हम दे देंगे। लेकिन आप करना चाहते हैं तब, और नहीं तो आपके पास में अगर उसका खाता नंबर वगैरह उपलब्ध है तो आप उस पर जरूर करें। यह एक पुण्य का काम होगा, एक बेटा के जीवन बचाया जा सकता है। यह आग्रह और निवेदन आपके थोकतंत्र और मगध संवाद की ओर से किया जा रहा है। तो फिलहाल हम मिलते हैं अगले। एक सर और, अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आयांश के लिए कमेंट में अपने जो भी इष्ट है एक अच्छी कमेंट जरूर लिखिएगा और एक भगवान से खुदा से गॉड से जो भी मांगना होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, आयांश के लिए दो शब्द जरूर लिखिएगा। सर कंटिन्यू, तो फिर हमें मिलेंगे पंचायत चुनाव की अगली कड़ी में आपके साथ में, अगले वीडियो अगली ऊर्जा के साथ में, अगली नई खबर के साथ में मिलेंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।